दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माय प्लांट इज माय लाइफ पर। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपकी भी पोर्चुला का प्लांट्स में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि गर्मी का सीजन ही होता है इनका फ्लावरिंग का, तो आज हम ऐसी एक जादुई खाद दिखाएंगे जिसे आपका नाम एक से दो बार डालने से नाम मात्र आपके जो पौधा है उस पर पूरा फूलों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कुछ पोर्चुला का प्लांट्स है जो मैंने तीन ट्रेस में लगा रखे हैं। ये ट्रेस केक की ट्रेस है, तो आप देख रहे होंगे इनमें एक भी कली किसी में भी नहीं बन रही ज़्यादातर, और बन रही है तो छोटी छोटी बन रही है और फूल का साइज भी बहुत छोटा आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी खाद दिखाएंगे जिससे आपका फूलों का साइज भी बड़ा होगा और कलियाँ भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और विद अपडेट के साथ ये वीडियो है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि ये देखिए, इसके मैं आपको ब्रांचेस दिखा दूँ। इस पर आपको कहीं पे भी कली नहीं दिख रही होगी और एक भी फ्लावर स्टेम इस पर नहीं खिला हुआ है। इसमें कुछ तुलसी के प्लांट निकल गए हैं, हमारे सेल्फ सीडलिंग हो गई है। तो ये देखिए, और अगर कली आ भी रही हैं तो बहुत छोटी साइज़ की आ रही हैं ये देखिए, और फूलों का साइज़ है वो बहुत छोटा आ रहा है। तो ये क्यों होता है? तो ये दोस्तों इसलिए होता है कि आपने अपने पोर्चुला का प्लांट को कम सनलाइट में रखा होगा। अगर आपने कम सनलाइट में रखा है तो इन्हें फुल सनलाइट में रख दीजिएगा। और आपको आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कहते हैं कि इसमें पानी कम डालिएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप इसमें पानी कम डालेंगे तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। तो आप इसमें इसकी मिट्टी में नमी हमेशा बनाए रखिए। तो ये देखिए, ऐसी नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में। तो चलिए दोस्तों, मैं बता ही देता हूँ क्या वो फर्टिलाइज़र क्या है। तो देखिए दोस्तों, उस फर्टिलाइज़र के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे एक कटोरी, और कटोरी के अंदर हमने डालना है दोस्तों ये आधा चम्मच, ये है चाय की पत्ती। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों ये चाय की पत्ती है। तो इसमें हम बता दें तो ये आपको डेढ़ चम्मच ले लेनी है। तो ये हमने डेढ़ चम्मच के करीब ले लिए है। मैं एक प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, चाय की पत्ती में जो होता है हमारा, इसमें लिटिल मात्रा होती है, थोड़ी मात्रा होती है एनपीके की, और जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये ज़्यादातर हम डालना छोड़ देते हैं। तो ये इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और जो बड्स बनाने के लिए हमें जो एक चीज़ चाहिए वो चाहिए पोटेशियम, तो उसके लिए हम डालेंगे एक चम्मच राख। तो ये देखिए, ये हमने एक पूरा चम्मच राख डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको राख ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर का होता है, तो इससे आपके प्लांट सूख सकते हैं। तो आपने ये दोनों मिला दिए। अब इन दोनों को मिला के आपने इसमें डाल देना है, पोर्चुला का प्लांट्स में आपको इन दोनों को डाल देना है ऐसे मिला के। तो आप 2 से 3 दिन का ही रिजल्ट मैं दिखाऊंगा, 2 से 3 दिन में आपके प्लांट्स बिल्कुल भर जाएंगे फूलों से ऐसे ऐसे। आपको अगर आपके पोर्चुला का प्लांट में कुछ फंगस की दिक्कत होगी और या फिर कुछ बीमारी होगी, जो आपके प्लांट्स हैं उसमें कुछ बीमारी होगी, तो वो भी इससे चली जाएंगी, क्योंकि राख होती है वो एंटी फंगस होती है और बहुत ही अच्छे अच्छे गुण होते हैं राख के। तो ये आपको डाल देना है। ये मैंने 3 गमलों के लिए इतना बनाया था, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दिए। तो दोस्तों चलिए, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। रिजल्ट है देखिए, इस पर काफ़ी सारे जो है फ्लावर्स आने लगे हैं। सिर्फ 3 दिन बाद का रिजल्ट है, 1 हफ्ते बाद इस पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस पर काफ़ी बिग साइज़ और काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लूमिंग होने लगी है। तो काफ़ी सारे फ्लावर इस पर लगे हुए हैं, देखिए आप दूर से दिखाता हूँ। तो काफ़ी सारे, और मैं आपको इसमें बर्ड्स दिखाऊँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हर ब्रांच पे आपको मोटी मोटी सी ब्रांचेस बर्ड मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों, पूरा प्लांट हमारा बर्डों से भर गया है। तो इतने आसान और घरेलू तरीके से, ये देखिए दोस्तों, इतने आसान और घरेलू तरीके से आपका पूरा पौधा है जो फूलों से भर जाएगा।
और आपके पोर्चुला के प्लांट में फूलों की बहार आ जाएगी। आप हर हर वीक में इसका यूज़, देखिए इस प्लांट पे अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें देखिए बर्ड्स खूब ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स बन गई है। ये 3 दिन बाद का रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा और आसान घरेलू उपाय है। अगर आप पे राख ना हो तो आप राख बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।